चलिए चलिए आइए। हाँ जी, क्या कहता है मिस्टर ई परचेज एक हाउस करा इसने जुलाई में 1996 में 1.5 लाख रुपए का। तो जुलाई 1996 में 1.5 लाख का। ही हैड पे 2000 एज अ ब्रोकरेज और सर 2000 खर्चा भी किया रियल एस्टेट एजेंट को एंड 8000 रुपए रजिस्ट्रेशन, सर 8000 रजिस्ट्रेशन चार्ज भी दिया। एंड ही एंटर इनटू द एग्रीमेंट सेल ऑफ द प्रॉपर्टी टू मिस्टर एक्स ऑन दिसंबर 2014। तो सर ये 1 अप्रैल 2014 के बाद अदर सोर्स का पार्ट था, 1 अप्रैल 2014 से पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर दिया जाता था, याद होगा आपको। अब यहां पे कहता है 14, तो सर इसने जो एग्रीमेंट किया और 60000 एडवांस लिया, तो ये एडवांस हमारा कहां का पार्ट होगा? अदर सोर्स। एक्स कुड नॉट हाउएवर कीप हिज प्रॉमिस एंड एडवांस मनी फॉरफीचेड हो गया ई के द्वारा। लेटर ही गिफ्टेड हिज हाउस टू हिज सन, अपने बेटे को दे दिया 15 में। तो सर बेटे को कब दिया मैटर ही नहीं करता, उसका तो कोई लेना देना नहीं है, बेचेगा वो वैल्यू लेंगे। फॉलोइंग एक्सपेंस इनकर्ड, कहता है एडिशन किया था 93-94 में, 1993-1994 में। तो सर एडिशन कितना मर्जी कर लो आप इंडेक्सेशन से पहले, यानी 1-2 से पहले, किसी काम का नहीं है। तो नॉट एडिशन फर्स्ट फ्लोर 2002-03 ये सर काम का है, सर सेकंड फ्लोर ये भी काम का है, फेयर मार्केट वैल्यू ये भी काम का है। कहता है एफ एंटर इनटू द एंड एग्रीमेंट सेल द हाउस 9 लाख टू वाई October 10, 2015 आफ्टर रिसीविंग एडवांस मनी 140 वाई कुड नॉट पे विद द स्पेकुलेटेड टाइम, मतलब जो समय अंतराल दिया गया था उस समय अंतराल के अंदर पेमेंट नहीं कर पाया, टाइम 2 मंथ एफ फोरफिटेड द एडवांस। तो सर ये एडवांस भी कहां का पार्ट है? बस देखो क्वेश्चन लेंदी बनाया गया, आपको जितना कंफ्यूज किया जा सकता था करने का कोशिश किया इन्होंने। आगे कहता है एज पर एग्रीमेंट विद वाई, वाई के एग्रीमेंट के हिसाब से एफ जो था अल्टीमेटली फाउंड अ बायर, इसको एक मिल गया कोई ना कोई जेड, और उसने क्या करा इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा कितने का, 40 लाख का ऑन नवंबर 2021। एफ हेड पे ब्रोकरेज 1% का पेमेंट भी करना पड़ा और एग्रीइंग हिज डील, और ये डील कंप्लीट हो जाता। तो बड़ा आसान सा सवाल है, तो चलिए सर इस सवाल को फटाफट से हम खत्म ही करते हैं। सर सेल्स क्या माना जाएगा? 40 लाख माइनस सेलिंग एक्सपेंस। सर सेलिंग एक्सपेंस क्या रहने वाला है? 1% 40,000, 39,60,000 माइनस में ये एनएससी आ गया। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, दैट इज कितने का गिवन है? 4 लाख इनटू में 317 डिवाइडेड बाय 100 माइनस कॉस्ट ऑफ कितने, अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात चलेगी। सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में नंबर वन पहला इंप्रूवमेंट 347,950 सर क्या इंडेक्सेशन है इनटू 317, चलिए दूसरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट
क्या इसका बताया आपने? अच्छा थर्ड इंप्रूवमेंट क्या है? क्या 50? अच्छा दस पचास अच्छा थर्ड इंप्रूवमेंट सेकंड इंप्रूवमेंट कब होता है? 460 डिवाइडेड बाय 137 या 17? 37 सर माइनस करिए, कोई घर वगैरह खरीदा नहीं, जो भी आएगा वो आ जाएगा, देख लीजिएगा, बस माइनस ही तो करना है आपको। सर थर्ड पॉइंट और बी पार्ट समझा दो। थर्ड पॉइंट चार लाख दो हजार LTC जी ठीक है। हाँ एक दो रुपए का सेवन करवा दो सर। फोरफिटेड, अच्छा फोरफिटेड, तो फोरफिटेड वाला तो बहुत सिंपल सी बात है ना, फोरफिटेड सारा हुआ है 2014 के बाद। अगर 2014 के बाद आप फोरफीचर करोगे तो वो कैपिटल गेन का पार्ट ही नहीं होता, वो पार्ट कहाँ का माना जाता है सर? अदर अदर सोर्स का। तो इससे कोई लेना ही देना नहीं है जो भी फोरफीचर किया। हाँ अगर 2014 से पहले होता तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करते, लास्ट से लास्ट क्लास के अंदर जब हमने कैपिटल गेन में एक कॉन्सेप्ट देखा भी था ये।